हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं डाइजन टेक। एक और नई वीडियो में आ गया हूँ। इस वीडियो के अंदर बात करना है रियलमी एक्स 50, जो चाइना के अंदर ऑफिशियली आज लॉन्च हो गया है। उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, प्राइस क्या है। प्राइस से थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, थोड़ा क्या थोड़ा ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि प्राइस जो है रेडमी K30 से काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, यहाँ पे डिज़ाइन और ओवरव्यू के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो पीछे की तरफ आपको चार कैमरा मिल जाते हैं और सेम टू सेम टिपिकल जो रियलमी का लुक है स्मार्टफोन्स का, सेम टू सेम सब में चलता आ रहा है। ये थोड़ा प्रीमियम स्मार्टफोन है रियलमी का, तो यहाँ पे लुक तो चेंज करना चाहिए था मुझे लगता है। पीछे की तरफ से आगे की तरफ आपसे चेंज हो गया है लुक थोड़ा सा। यहाँ पर पंच होल मिल जाएगा नॉच के बदले, तो यहाँ पर आपको डुअल पंच होल कैमरा मिल जाएगा इसके अंदर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर दोस्तों, मेरा एक पोल यहाँ पर रखता हूँ कि आपको डुअल पंच होल कैमरा पसंद है या सिंगल पंच होल कैमरा पसंद है। मुझे तो ओप्पो रेनो 3 में आया था सिंगल पंच होल, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पता नहीं कंपनी यहाँ पर डुअल पंच होल क्यों लाती है, कोई ज़रूरत नहीं है डुअल कैमरा के आगे। और हम लोग इसकी बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, साथ ही साथ कंपनी ने मास्टर एडिशन भी इसका लॉन्च कर दिया है, तो दोनों की फटाफट से स्पेसिफिकेशन आप जान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, सामने की तरफ आपको डिस्प्ले मिल जाता है 6.57 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है। यहाँ पे कोई भी एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है। साथ ही साथ आपको 120 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो सेम टू सेम रेडमी के K30 में आया था। और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 90.4% है। इसमें दोस्तों आपको 12GB की मैक्सिमम रैम मिल जाएगी और 256GB की स्टोरेज मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोसेसर होगा वो स्नैपड्रैगन का 765 5G वाला प्रोसेसर होगा, तो ये 5G स्मार्टफोन ही है कि इसका नाम ही है रियलमी X50 5G। और इसमें आपको लिक्विड कूलिंग मिल जाएगी, जो कि 8 नैनोमीटर की 3.0 वाली लिक्विड कूलिंग इसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो आपको रियर में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, जो कि सोनी का भी 686 है लॉन्च हुआ था रेडमी K30 के साथ, वो वाला नहीं है। यहाँ पे जो पहले ही सैमसंग लॉन्च कर चुका था वही वाला यहाँ पर सेंसर दे दिया, तो ये डिसअपॉइंटिंग बात है कि सोनी वाला देना चाहिए था, जो कि काफ़ी यहाँ पर बेटर है सैमसंग वाले से, ऐसा लोग मानते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे कैमरा की। यहाँ पर जो होगा वो 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे 190 डिग्रीज का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो होगा, जिसमें आपको 20x हाइब्रिड जूम मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि 20x हाइब्रिड जूम मिलेगा। और साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। फ्रंट में आपको जो मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, साथ ही साथ जो 8 मेगापिक्सल का जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की, जैसे कि इसमें एंड्रॉयड 10 आएगा, कलर ओएस 7 आएगा, और इसमें जो बैटरी होगी वो 4200 mAh की होगी, जिसमें 30 वॉट का चार्जर मिलेगा, जो कि वूक 4.0 है इसके अंदर। जो चार्जिंग हो जाएगी वो 30 मिनट में 70% जो बोल रहे हैं कंपनी वाले, ये 70% तक चार्ज हो जाएगा 30 मिनट तक आप इसको चार्ज करें तो। और यहाँ पर जो है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जो कि सेम टू सेम मुझे लग रहा है पूरा पीसी कॉपी कर लिया है कि रेडमी से, खाली बैक अपनी अपनी ओरिजिनल वाली लगा दी है, बाकी पूरा जो पीस है वो लगता है रेडमी से कॉपी कर लिया है। बाकी इसमें डॉल्बी एटमोस मिल जाएगा, हाई रेज ऑडियो मिल जाएगा, बाकी सब फीचर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। इसके अंदर एक फीचर्स एक्स्ट्रा है कि इसमें आपको डुअल वाईफाई मिल जाएगा। डुअल वाईफाई मतलब कि जैसे कि समझ लो दो वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हैं एक ही साथ, तो ये एक नया फीचर इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब प्राइसिंग की बात कर लेते तो डिसअपॉइंटिंग पार्ट आ जाता है, जो कि यहाँ पर प्राइसिंग चालू होती है वो 2499 युआन से होती है, तो यहाँ पर लगभग जो है 25,000 से इसकी प्राइसिंग चालू होती है इंडियन रुपीज़ में, जो कि 8 128 GB के लिए है। और यहाँ पर जो है 27,000 तक जाती है फॉर 6 256। ये कुछ समझ में नहीं आया मेमोरी कॉम्बिनेशन कि पहले तो 8GB रैम है और वो जो सस्ती है पर उसमें 128GB की स्टोरेज है, और जो हायर है उसके अंदर जो स्टोरेज वेरियंट बढ़ जाता है पर रैम कम हो जाती है, तो ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं 12 256 वाला भी है, जो कि लगभग आपको 30,000 के साथ मिलेगा, मतलब ऐसा है। और इसका मास्टर एडिशन भी दोनों ने लॉन्च कर दिया है, तो पहले बोल दूँ रियलमी के मास्टर एडिशन काफ़ी ज़्यादा दिखने में अजीब टाइप के होते हैं, कभी अनियन एडिशन कभी ये एडिशन, इस बार लग रहा है मुझे टाइल्स एडिशन बनाया, एकदम अलग सा ही स्मार्टफोन बना दिया, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा ही लगता मुझे तो। तो यहाँ पर उसकी भी प्राइस आ गई है, जो कि 32,000 है 12 256, जो कि एक ही वेरिएंट में मिलेगा। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, ये रियलमी मास्टर एडिशन कैसा अजीब सा लगता है, कमेंट करके बताइए आपको कितना ये बकवास लगता है, क्योंकि किसी को अच्छा लग सकता है, मुझे लगता नहीं है ये रियलमी मास्टर एडिशन। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है जरूर से लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। और मैं DIY लेके आ रहा हूँ ब्लूटूथ स्पीकर का, तो आपको बनाना सिखाऊंगा ब्लूटूथ स्पीकर, आप घर पे कैसे बना सकते हैं, तो वीडियो देखते रहिए।